भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इनसे बात की राज्यसभा टीवी संवाददाता राहुल पांडे ने। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। मनप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हॉकी इंडिया अवार्ड के लिए आपको सम्मानित किया। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। बी ऑनेस्ट कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो ये अवार्ड है, जो पर्सनल अवार्ड मिलता है, वो मुझे मेरी टीममेट्स और कोचिंग स्टाफ की वजह से मिल रहा है, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है जिसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें उनका जो सपोर्ट था ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, जो हमेशा मुझे मोटिवेट और हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देते रहे कि हाँ कि मैं आई एम द बेस्ट, और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे और हमेशा आगे बोला कि हाँ कि तू कुछ भी कर सकता है। तो ये अवार्ड जो है मैं अपने टीममेट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा। आप पहले ऐसे भारतीय जिन्हें हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में आपको और ये भी अवार्ड जुड़ गया हॉकी इंडिया अवार्ड, तो इतने सारे अवार्ड तो काफ़ी एक लोगों की उम्मीदें रहेंगी इस बार ओलंपिक्स में भी, और पुरुष हॉकी टीम पे भी एक लोगों की उम्मीदें हैं कि क्या परफॉर्म करेगा और क्या देखने को क्या मिलेगा इस बार। एक्चुअली कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मुझे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, क्योंकि मैं पहला इंडियन हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है, और जैसे पहले ही बोला ये अवार्ड मैं अगर अकेला जाता मुझे अचीव नहीं होता, तो ये मेरी पूरी टीममेट की और कोचिंग स्टाफ एंड प्लस हॉकी इंडिया का जो सपोर्ट था उनकी वजह से ये अवार्ड मिला है। और दूसरा यही कि हमेशा ये मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाँ कि मुझे और अच्छा करना है और टीम के लिए अपना पूरा बेहतरीन करना है, और हमेशा मैं करता रहा हूँ और अभी भी और करूँगा, यही करूँगा कि हाँ कि हमारी टीम है और आगे ऐसे जीते और हमेशा ओलंपिक्स में मेडल आए और हम अपना पूरा बेस्ट करते रहे और वर्ल्ड कप भी जीते ऐसे आगे। पुरुष हॉकी के लिए एक और खुशखबरी की बात है, क्योंकि हाल में ही हॉकी की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, उसमें अर्जेंटीना को आप लोगों ने 5वें स्थान पर पछाड़ दिया है और हॉकी टीम इंडिया पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर है, उसके बारे में क्या कहना है? काफ़ी अच्छा लगा जब हम लोग पता चला कि हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग 4 पे आ गए, तो ये सभी पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ की हार्ड वर्किंग था कि उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया इस चीज़ के लिए, तो मैं उन सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हाँ कि बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला कि हम लोग 4थे रैंकिंग में, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और बट हमारा यहीं तक ख़त्म नहीं होता, हमारा ये मानना है कि हम लोग पूरा बेस्ट करके हम लोग फर्स्ट और सेकेंड रैंक में आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो जो हम करेंगे, और बस यही है। थैंक यू।